हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक से होंगे। तो आज करबला में लास्ट डे और सुबह के हो रहे हैं 8 हो रहे हैं और हमारी अभी रवानगी है बगदार शरीफ और कुछ ज़्यारत है वहाँ पर। चलते हैं आगे, कुछ ज़्यारत है आपको भी करवाते हैं। तो दिल तो नहीं कह रहा कि हम जाएं, फिर क्या करें, जाना पड़ता है क्योंकि अपना तो सपना है। और हाँ, इसलिए तो आज हमारी पैकिंग वैकिंग भी हो गई है। तो अभी हमारी रवानगी है बगदार शरीफ, गाड़ी भी आ गई है, बस काफिला साथ हो जाए, फिर हम चलते हैं गाड़ी के पास, फिर हमारा सफ़र होता है जारी। आज का लुक ये है, पेंट शर्ट, ये बेल्ट, क्योंकि ये इसलिए लिया है क्योंकि पासपोर्ट और कुछ ऐसी चीज़ें जो उससे बड़ी हो। ये होटल था जिस पे हमारी रिहाइश थी। तो और क्या बताएं आपको, मैंने बोला कि व्लॉग को नहीं छोड़ना क्योंकि आपको भी गाइडलाइन हो, जो आना चाहे इधर उसको पता तो चले ना इधर क्या क्या कौन सी ज्यारतें हैं, क्या क्या उठाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप जब भी यहाँ आए, मतलब दिसंबर में या नवंबर में, कम सामान लेके एक चादर, एक स्वेटर हो। इतनी सर्दी नहीं है, जनवरी में हो इतनी सर्दी तो वो अलावा, पर दिसंबर में आई है मतलब लोई हो और जैकेट हो और 5 ड्रेसें हों आपके पास और बस ऐसी चीज़ें, मतलब इतना सामान नहीं उठाया। जैसे हमने बहुत ज़्यादा सामान उठाया क्योंकि हम फर्स्ट टाइम आ रहे थे, क्योंकि बोल रहे थे ये उठाओ ये उठा वो उठा। और शूज़ नहीं लेना पहली बात तो, ये सैंडल लो या चप्पल लेना, क्योंकि हर मतलब जैसे हमने जब से आ रहे थे ज्यारतें थी, तो इसलिए चप्पल इज़ द बेस्ट, क्योंकि भूतता ज्यारत आगे आ रही है, फिर हमको बूट उतारना पड़ रहा है, फिर वजू करना पड़ रहा है, इसलिए चप्पल इज़ द बेस्ट। बंदा जल्दी में वजू भी हो जाएगा, इसलिए क्योंकि काफिला है ना, सबके साथ चलना है, इसलिए ये कुछ चीज़ें ये सामने मौला गाजी अब्बास की मज़ार एंड मौला हुसैन की मज़ार। अभी हमारा सफ़र जारी है बगदाद, इंशाल्लाह चलते आगे। ये है, इनों में सामान हम रखेंगे, जिसका नसीब जिसका सामान इसमें पड़े, वो नहीं तो अब हाथों में लेना पड़ेगा। सारा सामान हमने रख लिया है, तो अभी हम गाड़ी को ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कहाँ गाड़ी खड़ी। अभी हम गाड़ी पर बैठ गए, तो अभी सामान सारा मैंने अपना रख लिया, अपने दोस्तों का। तो अभी हम बगदार सिटी में मौजूद हैं, हमने सामान रखवाया है, बहुत ज़्यादा ख्वारी है इधर, मतलब बोल रहे हैं कि सामान चेकिंग करो, इधर जा रहे हैं तो फिर उधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं तो उधर जा रहे हैं, ये गंजा भी ना ऐसे ही है गंजा। हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम, आई होप कि आप सब ठीक ठाक से होंगे। तो आज का दिन हम हैं बगदार शरीफ में और अभी हम जा रहे हैं ज्यारत पर, और ज्यारत का सारा कुछ जो भी है डिटेल स्टोरी सब वहाँ पर आपको बताएंगे। अभी आप बाज़ार एंजॉय करें बगदार की, और यह है बगदार की, इधर बगदार की जो नहीं बता सकता ऐसे, समझे, समझदार तो हो, बड़े इशारों इशार लोग हैं आप,
तो ये है सारा कुछ। तो हमारा अभी हमारा सफ़र जारी है बगदाद की बाजारें घूमेंगे, एक दिन इधर है तो फिर जाएंगे दूसरी ज्यारत पर। अभी हम आपको ज्यारत करवा रहे हैं वो है हज़रत मूसा काज़िम का पर पोता, उसकी ज्यारत है ये। तो अभी नमाज़ पढ़ लें, वज़ू किया हुआ इसलिए मेरा थोड़ा फेस ऑयली ऑयली है। नमाज के बाद आपसे मिलते हैं, ओके। मोबाइल अभी हमने ज्यारत ज्यारत कर ली, दरअसल मोबाइल अलाउ नहीं थी अंदर, इस वजह से हमने मोबाइल को अलाउ नहीं, मतलब बोले थे लेके नहीं जाओ, तो इसलिए मोबाइल रखने के लिए ये मतलब सिस्टम बना हुआ था। तो अभी जाएंगे गेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस के बाद थोड़ा फ्रेश हो जाएं, उसके बाद जाएंगे बगदार की बाजार घूमेंगे और हवा सेवन लोगों में सेवन। तो अभी जा रहे हैं। हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम, आई होप कि आप सब ठीक ठाक से होंगे। तो हम अभी बगदार शहर में मौजूद हैं और अभी हम जा रहे हैं ज्यारत हैं जो बगदार सिटी में वो है दस्तगीर पीर, वो पीरों का पीर, तो उधर जा रहे हैं और कुछ ज्यारत हैं उधर जाएंगे। और अभी ऐसे ही आ रही हैं, ऐसे ढूंढ रही हैं और फकीर तो लग रही नहीं है। पहली बात तो ये भी आ रहा है, ये बटन मेरा पता नहीं कर खराब हो गया, पता नहीं क्या हो गया। अब डॉक्टर साहब ना छी डबली डबली यतीम यतीम। तो मतलब जैसे हम उतरे हैं तो पीछे पड़े हुए हैं, ये हमने अपना चंदा भी दिया है, पैसे भी दिए, फिर बोले दो दो दो। तो उस बंदा ने भाई फकीर है, अभी तस्वीर वसीर खींची है, तो अभी ये डीपी मारेगा अभी तुम्हारे इराकी गर्लफ्रेंड। ना ना फ्रेंड पर जी जी लगाएगा ना, डॉट जी। तो बंदा ये भाई सीन है, इधर फकीर ने आनी भी नहीं है, हाय लगी बड़ी। तो गाइस अभी हम मौजूद हैं सैयद अब्दुल कादिर जिलानी, जैसे जिसका नाम है शेख अब्दुल कादिर जिलानी, शेख इन्हों का लकब है बगदार में। जैसे मैं अभी बोलूँगा मैं शेख हूँ तो इन्हों का मैं समझा मुर्शिद हूँ, शेख यहाँ पर लकब है। तो अभी जाएं वज़ू कर लें, वज़ू करके फिर जाएंगे ज्यारत पर। ये ज्यारत है दस्तगीर जिसकी यारी शरीफ होती है। तो अभी हम उधर जा रहे हैं ज्यारत करने, तो अभी वज़ू कर लिया इसलिए। तो ये है मेन गेट,
करो मोबाइल में, चौक बंद करो मोबाइल। अजी सलाह तो ये थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिसकी आपको मैंने ज़्यारत करवाई। दरअसल अंदर मोबाइल अलाउ नहीं था, इस वजह से मैंने कुछ वीडियो नहीं भरी। कुछ बोला हम पाकिस्तानी वीडियो नहीं भरेंगे तो मज़ा ही नहीं आएगा, तो मैंने वीडियो भरी है, वो इंशाल्लाह दूंगा। और ये बाजार थी, और ये जो साइट है ये है मदरसा, जो ना एक इसकी मतलब अबू ने बताया था कि नांग नांग होता है स्नैक, जब भी आपको खाने आए ना तो उसको वास्ता दें दस्तगीर का, तो इंशाल्लाह वो कभी भी आपके सामने आएगा ही नहीं। मतलब नांग ये सामने खड़ा हुआ है, वो आपको खाने आ रहा है तो उसको वास्ता दो दस्तगीर का, वो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये इसके मौजूदे थे दस्तगीर के। तो पीर पीरा दस्तगीर भी तो वो है, वो ये है बगदार सिटी में ये सारी दस्तगीर की, मतलब हॉस्टल भी है, इधर लाइब्रेरी भी है, तालिब भी हैं। ये थे सारे आज के ये सीन, और अभी जा रहे हैं और किसी ज्यारत पर, इंशाल्लाह वहाँ पर भी आपको हम बताएंगे। तो सफ़र जारी है हमारा।